नमस्कार, आज बीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज हम शुरुआत करेंगे बीकानेर से, जहां एक और 8 सालों से भाई बहन बिस्तर पर ही दुनिया बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विबंधित सेवाश्रम में रहने वाले अपाहिजों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। इंसान की जिंदगी कब किस ओर करवट ले, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा खासा सेहतमंद इंसान कैसे दूसरों का मोहताज हो जाता है, ऐसा दर्दनाक मंजर बीकानेर में देखने को मिला, जहां दो भाई बहन पिछले 8 सालों से बिस्तर को ही अपनी दुनिया बनाए हुए हैं और जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए किसी चमत्कार के इंतजार में है। बीकानेर की प्रताप बस्ती में रह रहे इन दलित भाई बहन पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कालू और मोली दोनों भाई बहन हैं। एक वक्त था जब दोनों ने अपना बचपन साथ साथ बिताया। दोनों ने अपनी एक हंसी जिंदगी के सपने देखे और वो सपने पूरे भी होने लगे। कालू ने मजदूरी करना शुरू कर दिया और परिवार को सहारा देना शुरू किया, तो वहीं मोली भी जवानी की दहलीज पर कदम रखकर अपने पिया के घर चली गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कालू को अचानक एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसके बारे में डॉक्टर भी अनजान थे। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बिस्तर पर ही अपनी जिंदगी गुजारने लगा। कई डॉक्टरों को दिखाया और कई जगहों पर इलाज करवाया, मगर कोई भी फायदा ना हुआ। कुछ दिनों के बाद मूली की भी वही कैफियत होने लगी और अपने भाई की तरह ही उसने भी बिस्तर पकड़ लिया। उसकी हालत देख उसके ससुराल वालों ने उसे पीहर भेज दिया। तब से आज 8 साल हो गए हैं दोनों भाई बहन बिस्तर के दामन जकड़े अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। कुछ ब्याह के जोड़ो भाई यहाँ से रजाती इन्हें हगले दिखा लिए दे पर तक कतर दिखा दी कोई कारी कौन लगे वो यहाँ पानी सब गिरा लिए 87,000 भी माते कर लियो तब फर्क नहीं पड़ा कि मानसा पर कराता मानसा पर लेटरिंग जाती है मानसा पर पैसा करता है मानसा पर रोटी इतनी बीती माजा नहीं खो या ठोक ठोक इतनी बीती दिखना नहीं कदे खाए ले कदे खावे कौन कदे खाए ले कदे खावे कौन यहाँ छोरी भोगती रहे बगनी छोर भोगते रहे रात रात दिन यहाँ कर भोग रहे रात नहीं रोए भोग रहे दिन नहीं रोए भोग रहे वो वो कर भोग 24 घंटा कोई समय नहीं है भगवान आग जोर मालिक जाने अब कालू और मूली के इलाज के लिए इनके परिवार ने हर जगह की खाक छानी। डॉक्टर के इलाज को लेकर झाड़ फूंक तक करवाया, लेकिन मर्ज और भी ज्यादा बढ़ता गया। इलाज और तीमारदारी से इन दोनों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से जरूर टूट गया। एक तो गरीब परिवार और दूसरे दलित, उस पर ये मुसीबत। परिवार का मुखिया करे तो क्या करे, क्योंकि औलाद तो औलाद है, उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। अपनी जमा पूंजी खत्म होने के बाद उधार लेकर काम चलाया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार। हालांकि समाज सेवी अताउल्ला वक्त वक्त पर उनकी मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं चलता। सात आठ साल हो गए, 7-8 साल में जगह जगह फिर लिया, डॉक्टर खाने पहुंच गया, बाद में कोई दवाई कार करी कौन है, फिर बाद में बड़ा बड़ा डॉक्टर जिका ने किया, मैं कि इलाज नहीं हुआ तो रोग तो बताओ कहीं है, ये मन तसली तो है ये रोग वहाँ बीमारी लग गई है, डॉक्टर क्या रोग है ही नहीं। फिर बाद में फिरना ही बंद कर दिया, पैसे टका जी का लगा दिया, माथे छोटी कर लिया, अब 4 साल है छोरे ने तो पैसे ही दवाई दे रही को खाने कहीं है कौन जाओ कहीं ये डॉक्टर साहब बार बीचे गए आप छोरी को केयर किया गया तो ठीक उधर सी और छोरे तो बे उतर दे गया। फिर बाद मैंने भी हड़ताल चलूगी पास कोई आया कोई रहे। तो मैं मांचे पर पड़ी रहती है, मांचे पे लेटरिन जाता है और मांचे पे इसको स्नान कराते हैं, बस मांचे के वाला ये खड़ा ही नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता है, इसकी माँ जो सेवा करती है इसकी माँ सेवा करती है। बीकानेर में दिखा दिया, नागौर में दिखा दिया, जयपुर में दिखा दिए, कोई फर्क नहीं है, अल्लाह मदद करते हैं। ये आते हैं इसको भूसा भुस्कारते हैं, इसको पानी पिलाते हैं, इसको दिलासा दिलाते हैं और
जो कोई होता है उनको लेके आते हैं, इनको दिखाते हैं, वो वापिस आते हैं। पहले तो ये दोनों सही थे, और ये जो लड़का है वो कालू, वो पहले काम भी करता था और घूम फिर के मजदूर जाता, पिताजी के साथ जाता था, और ये गर्म काम भी करता था तो उससे मजदूरी करते थे, घर चलता था। जब ये जाते जाते ये लड़का जब अचानक बीमार हो गया, काम करते करते गिर जाता था कई बार, और जब गिरने के बाद इनको उठा के बिठाते फिर भी ये कमज़ोर होता गया। जैसे भी ये कमज़ोर ज़्यादा होता गया, उसके तुरंत बाद ये बिस्तर पर लेट गया, और उसकी बहन थी वो मूली, वो ससुराल जाती थी, ससुराल जाते जाते अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। ससुराल वालों ने इधर भेज दिया कि अब ये बीमार हो गई, तो ये इनका एक बोझ ये हो गया कि अब ये ससुराल भी जाती थी वो घर पे बैठ गई, फिर ये बीमार हो गई। तो इन्होंने कालू पे बहुत पैसा लगाया, यहाँ की मांग तक के जैसे भी पैसा लगाया, कुछ समाज सेवा भी हुई, लेकिन उससे उसके बावजूद ही इन्होंने इसके ऊपर कम से कम सर पे 50-60 हज़ार रुपये फिर एक्स्ट्रा हो गए। अब जब इतने इसके ऊपर लगा दिए कालू पे, तो फिर ये लड़की का इलाज कराने में समर्थ नहीं थे, और लड़की का इलाज करा नहीं पाए। मेरे को एक दफ़े निकल रहा था तो ये चिल्ला रहा था, तो मैंने पूछा भी क्या बात है, ये 2-3 बार मैं निकला चिल्ला रहा है, क्या वजह क्या है, क्या इस तरह की बात है। जब से मेरे को ध्यान पड़ा तो मैं इसकी काफ़ी सेवा भी करता था, जैसी मेरी मदद होती थी मदद भी करता था, लोगों के पास भी लाता था, मेरा जैसा होता था मैं भी थोड़ा बहुत करता था, कई बार मैं हॉस्पिटल भी लेके गया, वहाँ भी डॉक्टरों को बताया, डॉक्टर थोड़ा बहुत के दे देते हैं, फिर ये एडमिट कर, ये एडमिट कराओ, तो जब इसको घर वाले कहते हैं एडमिट कराओ, तो ये कहता हमारे रोटी का जुगाड़ करें या फिर एडमिट। कालू और मूली के बारे में पता चलने पर समाज सेवी अताउल्लाह ने काफी कोशिशें की ताकि उन्हें कुछ सहायता मिल सके और उनका इलाज हो जाए। सिर्फ वे ही समय समय पर इनकी मदद करते रहते हैं, डॉक्टरों को भी उन्होंने ही दिखाया, लेकिन बीकानेर ही नहीं बल्कि जयपुर तक के डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। स्वागत है आपका एचबीसी विशेष में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बीकानेर की, जहां पर एक भाई बहन बीमारी के चलते दूसरों के मोहताज हैं, जो बिस्तर पर ही अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनकी बीमारी में कोई भी सुधार नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी लाइलाज है और मरीज धीरे धीरे मृत प्राय हो जाता है। ये बीमारी आदमी के अंगों पर असर डालती है और वे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में मरीज 4-5 सालों से ज्यादा तक नहीं जी पाता, और ये मर्ज ऐसा है कि इसका पता एमआरआई में भी नहीं चलता। अगर सही तीमारदारी की जाए तो 7-8 साल आदमी जी सकता है, लेकिन मरीजों की इससे ज्यादा जिंदगी नहीं हो सकती। होते हैं इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी। वो दोनों भाई बहन एमएनडी से ग्रसित हैं, और इस बीमारी में क्या होता है कि मसल्स वीक हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, और इसमें जो मरीज होता है वो अपनी पोस्चर भी मेंटेन नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे करके उसको एकदम लीन एंड थिन हो जाता है, और अंत में उसके साथ ये होता है कि उसकी रेस्पिरेटरी जो सांस लेने में जो मसल्स काम करती हैं वो वीक हो जाती हैं, और उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के कारण से वो ही उनका एक मृत्यु का कारण बनता है। चूँकि ये एक डिजीज़ एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, इसका अगर कारण नहीं है इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, इसका केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध होता है, और जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे यहाँ हम उस मरीज को, उस दोनों भाई बहन को दिया है, परंतु उससे उनको इतना लाभ हुआ है कि वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं करीबन 7 और 8 साल के आसपास हो गए हैं वो लोग। इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम जिसको बोलते हैं 5 से लेकर 10 साल के बीच में होती है, मतलब कोई भी मरीज इस बीमारी से ग्रसित है तो 5 साल से ज़्यादा नहीं निकालता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट की बदौलत है, सरकार जो निःशुल्क दवाइयाँ दे रही है या उसको किसी प्रकार की और मेडिकल सहायता मिली है उसके कारण से, उसकी देख रेख कर रहे हैं उसके परिवार वाले, उसके कारण से उसकी लाइफ करीबन करीबन अब 7-8 साल उसकी एक्सटेंड हो गई है। बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एचबीसी न्यूज द्वारा इस मामले की जानकारी दिए जाने पर उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए इन दोनों के लिए मेडिकल टीम भेजने और राहत पहुंचाने की बात की है। कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवल गुप्ता ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए।
विभाग के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, निःशक्त जन सर्वे अभी शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है। तो और उसके साथ ही जानकारी मिलने पर हमारे टीम द्वारा भी किया जाता है, और पिछले कुछ सालों में इस तरह के कुछ जानकारी में लाए गए थे केसेस पंजाब ग्रांड मोहल्ले का भी आपको मालूम होगा, तब उन्होंने एक विशेष कैंप लगा करके और PBM हॉस्पिटल में उनका इलाज भी करवाया, और जिनको प्रमाण पत्र जारी करने थे उनको प्रमाण पत्र जारी किए गए। तो ऐसा जानकारी में आपने दिया है, तो अब CMS साहब अभी पधार जाएंगे और हम बात करेंगे कि उनको जांच करवा करके देखेंगे इलाज के लायक है या नहीं है। और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो अगर वहाँ इलाज हो सकेगा तो उनका इलाज वहाँ किया जाएगा, और अगर दलित परिवार है और गरीब है तो उनका संभवतया जितना निःशुल्क हो सकेगा उतना इलाज भी करवाया जाएगा। BPL है तो उनको वैसे निःशुल्क करवाया जाएगा। तो निःशक्त सर्वे करवा करके अगर कोई सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई उन्हें लाभ या किसी योजना के अंतर्गत मिल सकता है तो वो भी करवाएंगे, और इलाज की पूरी जितनी कोशिश होगी वो की जाएगी। HBC न्यूज़ ने अगर तलाश किया है तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे कि इस तरह के अगर हमारे जानकारी में कुछ मुद्दे नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, तो अगर ये मुद्दा अगर आया है तो हम उसकी जाँच करवा के और जितना हर संभव हो सकेगा राज्य सरकार के जितना लाभ उस परिवार को मिल सकेगा वो दिलवाया जाएगा। साल से अपने बच्चों को बिस्तर पर पड़े हुए देख ये परिवार अब तक ये सोच रहा है कि क्या गरीब होना गुनाह है या गरीबों के इम्तिहान ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही लेता है। 8 साल तक इलाज करवाने के बाद भी इन दोनों युवक युवतियों को कोई राहत नहीं मिली है। डॉक्टरों की समझ में ये भी नहीं आया कि इन्हें बीमारी क्या है। अब तो ऊपर वाला ही एक सहारा है, लेकिन शायद उसकी भी नजरे इनायत इस परिवार पर नहीं हो रही है। HBC न्यूज के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। सरकार लाखों करोड़ों खर्च करके योजनाएं बनाती है, लेकिन जब ऐसे उदाहरण सामने आते हैं तो ये योजनाओं का जो खाका है धरा की धरा ही रह जाता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। हाड़ोती या बीकाणा, शेखावा के बाद HBC विशेष में आपका फिर से स्वागत है। सरकार अपनी समाज कल्याण की योजनाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जरिए चलाती है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से इन योजनाओं का जनाजा बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। बीकानेर में तो इन दिनों ऐसा ही देखने को आ रहा है, जहां इस विभाग की उपनिदेशक नारायणी की कार्यशैली के चलते एक तरफ छात्र वजीफा लेने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विमंडित सेवाश्रम में रहने वाले अपाहिजों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। और इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। यह है बीकानेर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दफ्तर, जहां कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन विभाग की उपनिदेशक नारायणी देवी अपनी निजी व्यस्तताओं के चलते कुर्सी पर ही कम बैठ पाती हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की इच्छा रखने वाले लोग आमतौर पर यहां से निराश होकर ही वापस लौटते हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हों या BPL का लाभ लेने वाले आम लोग। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी मैडम के साइन करवाने हों तो सिर्फ इंतजार ही एकमात्र सहारा है। मैडम के अवतरित होने का कोई भी समय नहीं है, अक्सर वे अदृश्य रहकर ही दफ्तर का कामकाज निपटाती हैं। से हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मैं फीस और भर नहीं पा रहा हूँ। 3 साल से मेरी फीस भी ड्यू है, तो बस अभी मैडम के भी सब आ गए हैं, मैडम मिल नहीं रहे हैं, लगातार अनुपस्थित है, और बस इसलिए बस यही बताना चाहते हैं। उनका स्टाफ क्या कहता है? उनका स्टाफ कहता है बस वो आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, बस चक्कर कटवाते हैं, यहाँ पे रोज आते हैं, भेज देते हैं, यहाँ पे है नहीं है, बस रोज कैसे भी करके मन टाल देते हैं, मना कर देते हैं। सालों से मेरे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, मैं हर बार संडे सैटरडे को फॉर्म जमा करवाता हूँ, अपील कर रहा हूँ, पर मुझे कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, और मैं कई बार बड़े बड़े अफसरों को एप्लीकेशन भी देके आ गया, पर वो बोल रहे लाएंगे।